नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा के बारे में जनता के आज क्या विचार हैं, जनता क्या कहती है, उनसे सीधी बात करेंगे। दो ढाई साल हो गए गुरुजी समाज में नहीं है, उनके सत्संग लगातार लोगों को अब नहीं मिल रहे हैं, अब जनता उनके बारे में क्या कहती है, सीधा सवाल हम लोगों से करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। से क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? प्लस टू है सर। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं? मैडम देखिए, मैं मेरी उम्र 10 साल की थी जब से मेरे मान लो परिवार वालों ने मेरे को डेरा सच्चा सौदा से जोड़ दिया था, और हमारे परिवार में कोई नशा नहीं है। मेन बात तो यही है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था की वजह से मेरे परिवार में कोई नशा नहीं है, ठीक है। दूसरी वजह मान लो कोई हम जैसे परमार्थ करते हैं, कोई गरीब परिवार है उसको राशन देते हैं, या किसी का मकान नहीं है, मकान मान लो मकान बनाना उसमें सहायता करते हैं, कोई कपड़े मतलब किसी गरीब परिवार को कपड़े की जरूरत होती है उसको परमार्थ करके कपड़े देते हैं। और मेन वजह जैसे पिताजी अभी हमारे मान लो अंदर है, जैसे दुनियावी बात में कह जाए तो अंदर है, जेल के अंदर है, तो उसकी मेन वजह यही है कि राजनीति है, जो पूरे इंडिया में राजनीति है, राजनीति की वजह से मान लो पिताजी अंदर है। और दूसरी वजह ड्रग माफिया, जो आजकल जो जैसे कोकीन बहुत से ऐसे भयानक नशे हैं जिसकी मान लो ड्रग माफिया डेरा सच्चा सौदा चाहते नशों से दूर रहे, नशों से दूर रहे, पर ड्रग माफिया कहते हैं कि हमारा मान लो पूरे मान लो एरिया में नेटवर्क फैल जाए, ठीक है। दूसरी वजह ये रही, तीसरी वजह मान लो राजनीतिक वाली बताई थी। वैसे पिताजी ने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे कोई बाढ़ आती है वहाँ पर राशन पानी जाता है, कोई मान लो तूड़ी जाती है जैसे, या किसी मान लो गरीब परिवार मकान बनाने के लिए मान लो पैसे नहीं है, संगत इकट्ठे करके मान लो पैसे मकान बनाती है। और दूसरे जैसे मान लो खेलों में जैसे डेरा सच्चा सौदा के जो भी स्कूल है कॉलेज है उसमें बच्चे पढ़ते हैं और नशों से दूर रहते, पहली बात तो नशों से दूर रहते हैं, और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई भी होती है, और बाहर जाते हैं, बाहर जाकर मान लो खेलों में अपना पूरा रुचि से मान लो दिखाते हैं पूरे इंडिया में। जैसे शाह सतनाम जी कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो या लड़के हैं बहुत से ऐसे मेडल लेकर आए हैं जो पूरे इंडिया में और कोई भी संस्था या कोई और कोई भी स्कूल या और कोई भी कॉलेज में नहीं लेकर आया, ओनली एक डेरा सच्चा सौदा ही स्कूल या कॉलेज है जहाँ पर मान लो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं और खेलों के बारे में मान लो भी रुचि पैदा करते हैं। सर आपका आरोपों के बारे में क्या मानना है जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो मैडम मैंने आपको बताया दिया, राजनीतिक और ड्रग माफिया, इन दोनों की वजह से ही मान लो पिताजी अंदर है, इन दोनों की वजह से ही है, बस और कोई वजह नहीं है। बाकी जो मनमुखी होते लोग उनको बातें मिल जाती हैं कहने की कि जे अबे कुछ भी लगा लो। आपका कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? मेरा तो अगर डेरा सच्चा सौदा की वजह अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं। सर अब देखा जाए 2-3 साल होने वाले हैं गुरुजी नहीं है समाज में, तो ना रहने से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? नहीं हमारे मान लो कोई भी प्रभाव नहीं है मैम, ये तो मनमुखी है उनके ऊपर प्रभाव पड़े, हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे नशा छुड़वाते थे वो अब लोगों के ऊपर? जी बस ये पिता ही अंदर है, ठीक है। कुछ मनमुखी लोग थे जो डेरा से दूर हो गए वो नशे करने लग गए। हमारे एरिया में बता दूँ ऐसे ऐसे परिवार है जो बैनक से बैनक नशा जैसे कोकिन चिट्टा बोलते हैं हमारे पंजाबी, चिट्टा करने गए तो उनकी पीढ़ी खत्म होने को है, उनकी पीढ़ी खत्म होने का है, और आने वाले टाइम में उसको महसूस जरूर होगा कि हम डेरा सच्चा सौदा से दूर हुए थे तो उसकी वजह से हमारे परिवार को इतनी दुख झेलने पड़ रहे हैं। जी, और देश की तरक्की के लिए या समाज के लिए और गुरुजी ने क्या कदम उठाए हैं? जैसे हमारे फौजी होते हैं उसको ब्लड डोनेट करना, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है पूरे इंडिया में, जे इतने ब्लड यूनिट डोनेट करना बहुत बड़ी बात है। जे मीडिया वाले ला लो कोई राजनीतिक वाला किसी के ध्यान में नहीं है ये बात, सबसे पहली बात है जे पूरे इंडिया में ध्यान करके देख लो आप, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इतना ब्लड डोनेट करती हो। जी, सबसे बड़ी बात है जो देखना, जो हमारे देश की रखवाली करते फौजी उसको ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ी बात होती है, दिमाग से सोचना बहुत बड़ी बात है, ऐसे मनों से या बातें करने से कुछ नहीं होता आजकल, बहुत बड़ी बात है जी डोनेट ब्लड डोनेट करना। क्या आज समाज को गुरुजी की जरूरत है? बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है।